अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरा पूरा लाइफ आप लोग देखना, जो कि मैंने बुड्ढे का जवाब दी हूँ। तो बुड्ढे, मैं देखो भी स्टार्टिंग में भी एक बात बोलना चाहूँगी। पहली बात तो तू लोगों को फ़ोन करके बोल रहा है ना कि हम लोग सायरा से मिले हुए हैं, सायरा सतानी से हम लोग मिले हुए हैं, और हम लोग मिल गए, हम लोग इधर गए, वो उधर गए, मिले। तो देख, मिले तो उसमें कोई, हम लोग ऐसे छुप के नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना तो मैं बाकायदा वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और दूसरी बात, मैं मिली नहीं अभी तक, तो मैं मिली नहीं, ठीक है। और मिलूंगी तो भी मेरे को किसका डर है, मैं थोड़ी ना कुछ की हूँ, ठीक है। और हम मैंने अभी तो बोला ना, माफी मांग ली है, माफी मांग ली है। तो देख, माफी इसलिए मांगी क्योंकि तूने मेरे को ना बहुत सारी बातें ना झूठ बोला था, जो कि मैं ना तेरी बातों में, तू हरामखोर, तेरी बातों में मैं आकर भी ना मैंने सोची कि चल सच्ची बोल रहा रहेगा ये इंसान, लेकिन मुझे नहीं मालूम ना इतना बड़ा गद्दार इंसान ही है ना, जो जो खा के हजम करके डकार भी नहीं मारा बुड्ढे, तो उसके ऊपर थोप दिया। हाँ, तेरे को इतना नहीं समझ में आया था कि तू अभी मेरे को चढ़ा रहा है, मैं जब तक बोलूंगी बोलूंगी, जिस दिन तेरी पोल खुल गई तो फिर तेरे को भी छोड़ूंगी नहीं। तो देख, मैंने उससे माफी मांगी हूँ, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैंने आपा से माफी मांगी। क्यों मांगी मांगी हूँ मालूम? क्योंकि मैंने गलत बोली थी, ठीक है। और मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं थी, मैं पहले से बोलती आ रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ। और हम लोग ने जितना भी कुछ बोले ना, आपा ने हम लोग को सामने से कुछ गलत कभी भी नहीं बोली है, हम लोग उल्टा जो भी है समझा के वैसे ही करके बोली है, ठीक है। तो देख, तेरे को भड़काने का तो जा, तू किसको भड़काने का भड़का, समझ में आया? तो ये ही है मेरा कारण जो माफी मांगने का, समझ में आया? तो मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं थी आपा जान से, जो कि मैंने मतलब तेरी बातों में आके मैंने बहुत अनाप शनाप बोल चुकी थी, तो मैं इस वजह से माफी मांगी। और मैंने उस दिन भी बताई थी, माफी मांगने से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। हाँ, मैंने मेरी गलती पे माफी मांगी, मैं ये चीज बोल रही हूँ, ठीक है। हम लोग ने लाख बोले, लाख बोले, मैं अभी भी ये चीज मैं खुद अपने आप को थोप रही हूँ ये बातें, कि मैंने लाख बोली लेकिन आपा ने मुझे उस बात पर भी मुझे गलत कभी भी नहीं बोली, तो इस वजह से मैंने माफी मांगी, ठीक है। और दूसरी बात रही, मैंने अली से माफी मांगी, तो ये भी चीजें बोल रहा है ना, मैं अली से माफी मांगी। तो देख, मैं मांगी क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर मैंने वो बच्चे लोग को कुछ मेरे मुंह से अगर निकल गई रहेगी बातें, तो मैंने माफी मांगी। तो इसमें क्या हो गया, अगर मैं लोग से बड़ी भी हूं, मैंने माफी मांग ली क्योंकि वो बच्चा रोया, मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैंने परसों वाली लाइव में भी कसम खा के बोली हूँ अल्लाह की, मुझे अच्छा नहीं लगा वो बच्चा रोया है, तो ठीक है। और ये चुगली वाले काम है ना, जरा बंद कर दे, बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा गंदगी कर रहा है, फिर ऐसा ना हो जाए, तेरे को तकलीफ हो जाए, है ना। हम लोग को सारी बातें मालूम पड़ जाती है, तू किधर क्या चुगली करके बोल रहा है ना उनको, उनका हमारा झगड़ा लगाने तू देख रहा है, जो भी है, ठीक है। तो ये तू कर मत, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अपने में अभी चुपचाप रहे, अल्लाह अल्लाह कर, नहीं दिल भर रहा है तो बोल, तेरा फिर निकालती हूँ पूरी बारात यहाँ से, पूरे फिर सबको बोलती हूँ तेरी बारात निकालने के लिए, या तो चुपचाप बैठ जा, समझ में आया? चुगलियां करते मत बैठ, यहाँ वहां खाली हर को। तो देख, यही मैं बोलना चाहती हूँ, बुढ़ऊ जरा भी अल्लाह अल्लाह कर बैठ, और ना चुगली वाले काम मत कर, कि ये उससे मिल गई, इससे मिल गई, और मेरा ये मेरा दिल है, मेरा दिल जो करेगा मैं वो करूंगी, मेरा दिल जो बोलेगा मैं वो करूंगी, समझ में आया? और मैं किसी से डर के नहीं मिलूंगी, मैं मिलूंगी भी तो बिंदास फोटो निकालूंगी, वीडियो निकालूंगी, जो भी करूंगी। अभी तो ऐसा कुछ मैंने सोची नहीं हूँ मिलने मिलने का, समझ में आया? और तू यहाँ वाना चुगली चाटी जो कर रहा है ना, मत कर, अच्छा नहीं है तुम, क्योंकि देख तू औरत के पेट का है, दल्ला है तू, दल्ला। मैं दूसरे को बोल रही थी ना, तू क्या बोला कि ये दुनिया का गाली लोगों को देती है, अभी लोग से माफी मांग रही है। तो देख, हाँ मैं मेरी गलती पे मांगी ना, मैं गाली दी, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ ना, मैंने गाली दी। मैं क्यों गाली दी? तूने मुझे भड़काया, ठीक है, तो मैंने गाली दी, नहीं तो मेरा वो औरत से कोई पर्सनली नहीं था, कुछ भी मैटर नहीं था, फिर भी वो औरत ने मेरे को अभी तक भी कुछ नहीं बोली, और मैं ना कोई साइड ले रही उनकी, ना मेरी कोई बात उनसे हुई है फोन पे, ना मैसेज में बात हुई, ना किसी में हुई, ठीक है। मुझे जैसा अच्छा लगता है, मैंने उस दिन भी बताई, मैं अपनी गलती बिल्कुल मानती हूँ, जहां पर मेरी गलती रहेगी मैं मानती हूँ, ठीक है। तो ज्यादा बजमत, समझ में आया? अभी थोड़ा अल्लाह अल्लाह कर और बैठ घर में, चुपचाप से बैठ जरा, समझ में आया ना? क्योंकि तेरे को, मेरे को लग रहा है ना, बार बार समझाना पड़ रहा है, बार बार तेरे को समझाना पड़ रहा है, या तो उंगली करते बैठ मुझे, फिर तेरी बैंड में बजाती रहूंगी, समझ में आया? क्योंकि मैंने कल तेरे लिए कुछ बोली नहीं ना, तो शायद इससे तू ना उंगली कर रहा है मुझे, तो कर, तेरे को मैं और बताती हूँ, समझ में आया? पुरानी बातें नहीं करो, जो हो गया सो हो गया। हाँ, कल मेरी अम्मी की मेरे को बहुत डांट लगी है, बोल मेरी अम्मी ने बहुत मेरे को डांटी दी है कल। ये कुछ भी होता है ना, ये इमरान है ना, मेरी अम्मी को कॉल करता है, सड़ेल आदमी। मेरे को दिखाना है तो मैं बैठूंगा, नहीं तो फिर तू अकेला बैठ जा। मेरे को पहले सॉरी बोलो लाइव पे सबके सामने। नहीं दिखाना है तो घुमा थोड़ा कैमरा इधर, या तो तू पहले सॉरी बोलो मेरे को।
मैं सॉरी क्यों बोलूं, गलती मेरी नहीं थी, तूने शुरुआत की थी। देखो मेरी आंख देखो, मैं कितना रोई हूँ, तुम लोग देख समझ सकते हो, रोज मुझे देखते हो तो। फिर भी सॉरी बोलता हूँ, चल ठीक है, लेकिन गलती तेरी थी, तेरे को मानना पड़ेगा, तूने लाइफ पे आके सब बोली है, मैंने तो नहीं बोला था। लव स्टोरी के बारे में बोलो। अरे लव स्टोरी तो खराब हो गई, लव स्टोरी के बारे में क्या बोलो, लव स्टोरी के चक्कर में तो पूरा झगड़ा हो गया। स्टोरी बोल दो इमरान भाई। अरे स्टोरी क्या बोलो यार, ये स्टोरी के चुगली खोलने मेरी अम्मी को कॉल कर दिया है ना कल, तो सही बात है ना, रात में ही कॉल चला गया है मेरी अम्मी को, और मेरी अम्मी की डांट भी पड़ी, फिर मैं कितना रोई मालूम है, मेरे साथ में कल रात को कितने कितने सारे हादसे हो गए, तुम लोगों को क्या पता है। अरे लेकिन इतने चालू इमरान की एक गंदी आदत, अगर अभी फोन किया ना इमरान देख लेना, एक इमरान की गंदी आदत मैं बताती हूँ, डायरेक्ट मेरी अम्मी को फोन करता है कुछ भी होता है तो, और एक मेरी भेंडो को फोन करता है, देखो ये झगड़ा कर रही है, देखो ये ऐसा कर रही है। शादी करने के टाइम हम लोग दोनों किए थे ना, इमरान लोग पसंद किए थे, इमरान सॉरी बोला, अच्छा ठीक है सॉरी, चल ठीक है। लव स्टोरी के बारे में अभी आगे नहीं बताऊंगी, बताऊंगी बाद में, बताऊंगी बताएगी बाद में बताएगी वो नहीं बताऊंगी हाँ बताएगी तो फिर मैं इधर से हट जा रहा हूँ अभी, नहीं वो नहीं बता रही, बताओ ना बताओ ना, अरे बताओ ना बताओ ना, मत करो, तुम लोग एग्जैक्टली बताता हूँ, यहाँ पे अगर ये कुछ बोलेगी ना तो बाद में फिर ओके अमल में क्या ये अलग ट्रैक पे चला जाएगा। भाई ये गलत बात है, देखो ना यार तुम लोग तो समझते, मैं क्या बोलूं, तुम लोग तो मेरी मेरे को समझ सकते हैं ना, मैंने कुछ भी नहीं की थी कल, सिर्फ सच्चाई थोड़ी बहुत बोली, सब हस्बैंड ऐसे ही होते, अरे भाई क्या डाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये इसकी चक्कर में मत हो, ये कुछ भी मेरे बारे में गलत गलत बोल रही है। अभी यहाँ छोड़ो, ये सब छोड़, कान्हे को पकड़, बुड्ढे को पकड़ो, तो बोलते है ना वो कुत्ते, क्या कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, तो बुड्ढे के हिसाब किताब की बात बता रही हूँ मैं, मतलब कि वही तू आंख मार रही है, पे सब देख रहा हूँ मैं, तू ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट मत, तुमको थोड़ी ना बोल रही, बुड्ढे को बोल रही ना, बुड्ढा ना बुड्ढा नीचे देने का भूत रख रख के, चुगली खोर बुड्ढा, चुगली करता है साला बुड्ढा, मस्ती के चक्कर में अपनी पर्सनल मत खराब, नहीं नहीं नहीं, अरे बाबा ऐसा, देखो मैं भी तुम लोगों को एक सच्ची में एक चीज बताती हूँ, कसम से बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत, कसम से झूठ नहीं बोल रही हूँ, अल्लाह की कसम मेरा आदमी बहुत अच्छा है, मेरी कोई ख्वाहिश कभी नहीं मारा है, देखो मैं कसम इतनी बड़ी खाके बोल रही हूँ, मैंने जो चीज पे हाथ रखी हूँ मेरे को वो चीज मिली है, जब से मैंने शादी की हूँ तब से, वैसे मैं कभी इमरान से कभी, चलो वो तो रहा, जब मैंने ऐसा कभी दिल से पैसा मांगी तो नहीं हूँ, लेकिन एक चीज बता रही हूँ, तो इस वजह से अभी तक मैं साथ में हूँ, ठीक है, बाकी बुरा भी है, ऐसा नहीं है इंसान बुरा नहीं है, इसकी बुराई भी बताऊंगी बाद में, इसको कसम खाने बोलो पहले बता दूं फिर, नहीं नहीं वो बुराई के चक्कर में मेरी अम्मी का नाम बोलता है आदमी, ये आदमी मेरी अम्मी को नाम बोलता है आदमी, गंदोड़ा आदमी, इसको बुड्ढे के सने को इधर गंदा है, बुड्ढे ने बोला सनाने घर खराब नहीं, क्या है अभी वो बुड्ढे की बात पे आ रहा हूँ मैं, चलो अभी बुड्ढे की टॉपिक पे आ जाते, क्या वीडियो बनाया ना, कैसा वीडियो रहा, मस्त लगा ना तुम लोग को वीडियो, पप्पा जी का वीडियो कैसा लगा था तेरे को, बहुत अच्छा, बहुत बहुत एकदम मस्त, एकदम मस्त लगा मस्त लगा क्या, नहीं लगा बताओ पहले, पप्पा जी का वीडियो मस्त लगा क्या, पप्पा जी के मुंह में सना इमरान से इमरान गायब हो गया, ये देखो मैसेज आ गया, सना ही है इमरान भाई, आपको कसम है सना, ठीक को बताने दो, अरे यार सना बाद में बता, ठीक है चलेगा, अच्छा ये सना, सिर्फ सना दिख रही है वहाँ पे, सना ने घर नहीं तोड़ाई तो मतलब क्या, इमरान ने तोड़ाया, आगे आके इमरान को बोलने का है, बोल के पहले से प्लानिंग करके रखा है, हाँ सना का नाम वहाँ पे डाल दिया है, क्या प्लानिंग किया है यार, सना इमरान मुंह में नहीं आया क्या, बाकी टाइम तो सना इमरान मुंह में आता था, तो सना सिर्फ सना दिख रही है, इमरान कहीं नहीं दिख रहा है उसमें, क्योंकि इमरान को आगे कहीं पे टॉपिक पे चलाना रहेगा, बताना रहेगा, तो सना को साइड में कर दिए, अभी इमरान का एक नाम रखे वो बाद में उठा के, क्योंकि तेरा तो अभी कुछ चल नहीं रहा, तो वीडियो डालना था तेको, तो तूने उठा के एक वीडियो के चक्कर में आके ये वीडियो बना दिया, शट अप, सेलिब्रिटी है पप्पा जी, सेलिब्रिटी है तो सलमान खान, ओके सॉरी सॉरी, पप्पा जी सेलिब्रिटी है ये बोल रही है तो ठीक है, पप्पा जी बेटी का ही नाम लेंगे ना, पप्पा जी पापा जी तुम किधर है, पापा जी बड़ा जनरेटर लिए, पापा जी ये चुगली किया कल रात को घर पे, पापा जी बड़ा जनरेटर लिए ले, ऐसा कर रहे,
उसको मार दो। अरे मरे हुए को क्या मारना, तुम लोग बताओ। और ये बुड्ढा फोन करके सब जगह बोल रहा है कि इमरान हाँ, वीडियो का क्या मतलब है? आपने सही लिखा है, वीडियो का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं क्या है उसमें, मतलब है किसी को वीडियो कुछ का, समझ में नहीं आया है, वीडियो का कुछ भी नहीं मतलब क्या समझ में है? आया इसने हमारे को गलत किया, सबके सामने गलत बोला सब किया, और सना का कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं मतलब क्या है? तूने माफी भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं किया, जो हमारे लिए किया ये वो कहा गया, वो सब कहा गया, वो हमारी इज्जत नहीं है। हाँ वो इज्जत नहीं है हमारी, सिर्फ आके बोलेगा सना का कुछ लेना देना नहीं है। इमरान कहाँ गया उसमें? मैं पल्लों में चुप रहा था तो इमरान कहाँ गया? इमरान नहीं दिख रहा तेरे को आज? तुम लोगों किसको क्या समझा था वो वीडियो में, क्योंकि मुझे बहुत सारे वो वीडियो शेयर कर रहे थे बहुत लोग, और वो बाकायदा मैंने देख चुकी थी पहले ही वीडियो। ठीक है, ये सब चीज का ये सब चीजें ना बहुत जल्दी कर लेती हूँ मैं, छोड़ो मत। पर आप लोग नहीं, छोड़ने वाली कोई बात ही नहीं है भैया, छोड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं है। वो वीडियो में मेरा नाम ही नहीं है, वो वीडियो में इतने क्लियर नहीं किया। ये क्या है, सबके लिए वीडियो बनाएगा, सबके लिए बोले अल्लाह के घर तक माफी? अरे माफी ऐसा होती है? माफी कैसा मांगता है इंसान? माफी मांगने वाला इंसान माफी कैसा मांगेगा? इसको सिर्फ सोशल मीडिया पे वापिस आना है, वीडियो डालना है, इसके लिए वापिस से चालू करने के लिए ये गंदगी वापिस चालू करेगा। उसमें इमरान का नाम हटा दिया, सिर्फ सना का नाम डाल के रखा है, और तू क्या फोन करके सब जगह बोल रहा है कि इमरान और आपा मिल गए ले, इमरान अरे हाँ, ए बुढ़े इमरान बुढ़े, तू एक बार सुन। तू फोन पे भले तो बात कर वीडियो रहा डिलीट है, भी घर कर पे देगा ना, तो घर देख मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक बार सुन, तू क्या रे सबको फोन कर करके बोल रहा है सना और आपा मिल गए, सना और आपा मिल गए। इमरान आपा मिल जान, गए, जो आपा जान सायरा सत्तानी, आपा जान और मैं मिल गई तो देख। हाँ मतलब मैं हम लोग वही कि हम लोग मिल गए तो देख। तेरे को एक बात बोलू, अगर जिस दिन मैं मिलूंगी ना तो उस दिन वीडियो जरूर बनाऊंगी, ठीक है? और ये छुपने वाला नहीं मिलती हूँ मैं। और तूने जिसको बोला, मैंने उनको बोला भी क्या प्रूफ है तो तुम प्रूफ हाँ, दो तो देख मैं जो मिला तो हूं जो तो, कर रहा है या ना, मैंने झगड़ा बात लगाने का किया काम हूं जो भी तो, कर रहा है, हाँ झगड़ा हाँ लगाने मैंने का बात काम कर रहा किया है, जो भी हूं कर रहा है। तो प्रूफ दे दो मेरे को, मेरे कॉल डिटेल चेक कर लेना अगर मैंने बात किया। और मेरे को बात करना है तो मैं ना किसी के बाप से नहीं डरूंगा, ना ये डरेगी मेरे को। अगर मिलना है, मेरा दिल बोलेगा तो मैं जाके बिल्कुल मिलूंगा, मिलेंगे यार और हम मिलूंगा लोग। तो छुप हाँ के नहीं मिलूंगा, बिंदास वीडियो बनाऊंगा और पर बना के मिलूंगा। झूठ अफवाह मत फैलाना हाँ, बुड्ढे, और झूठ अफवाह तूने जो मत अभी ये फैलाना। बोला है ना कि इमरान जाके वहां मिल रहा है, तो मैंने उनको बोला हूँ कि मेरे को प्रूफ दे दो क्या मैंने बात किया, मेरा कॉल डिटेल निकालो, मेरे को कॉल आया है या गया है। ये अगर 6 महीने के अंदर बीच में एक बार आया था, उसके बीच में वापिस अभी कहीं आया गया है, तो मेरे को कॉल डिटेल दे दो। तो ठीक है नहीं, बुड्ढे तू यहाँ वहां जो बोल रहा है ना, तेरी गंदगी अभी भी चालू है, तू बंद नहीं कर रहा है, तू बाज नहीं आने वाला है, तू कभी सुधरेगा नहीं। लेकिन यार इसमें कोई कोई मतलब ही नहीं है ना कि तू मैसेज करके या फोन करके ये चीजें बोल रहा है कि वो लोग तो मिल गए, देखो कैसा सपोर्ट में बोल रहे। बुढ़े देख, सपोर्ट में मैं किसी के लिए आज भी मुझे जो अच्छा और बुरा लगेगा ना, मैं यहाँ पर बैठ के वो बोलूंगी। जब मैं मेरे आदमी को नहीं बख्शी कल की लाइफ में, मैंने देखा मैं जब मेरे आदमी का भांडा फोड़ सकती ना, तो मेरे लिए कोई भी कुछ भी नहीं है। भांडा समझ नहीं में आया? थोड़ी, वो थोड़ा बहुत मतलब बोल, भांडा मतलब समझो ना यार तुम। हाँ वो हाँ स्टोरी बता रही थी हम जो लोग की, भी जो है भी है हाँ, जो हमारा तो पास सोच था वो ले। सब बता रही थी। भांडा नहीं तो फोड़ी है मैं तो तू सच्ची जा, तू सच्ची गलत ट्रैक बोलती क्यों हूँ। मत जा, पब्लिक पकड़ के वही बोलेगी सना हाँ ने भांडा फोड़ी इमरान का, तो तू वो गलत जिस दिन जो बोलेगी। बोलेगी ना तो उस दिन उसके लिए ऐसा वीडियो नहीं तो बनाऊंगी बोलने का बुड्ढे मौका के ही नहीं जोड़ देने का के। ना किसी को। नहीं वो बोलेगी ना तो बिल्कुल बुड्ढे की हाँ हार समझ गया, रहेगी। समझ गया मैं, चल। ठीक है, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। और एक बात रही, अभी मैंने इधर मैसेज पढ़ा कि 15 लाख की बात करो। 15 लाख की बात तो ऐसी है, पूरी पब्लिक को मालूम है कि जिसका पैसा है, ठीक है रियाना बॉस का पैसा है, उन्होंने दिए बुड्ढे को। बुड्ढे ने किसको दिया ये ना ही मेरे को मालूम है ना उनको मालूम है, वही वो बोल रहे कि आके खुलासा करो, वो बुड्ढा नहीं कर रहा है, वो सबको गोल गोल घुमा रहा है। ठीक है तो इसमें ना मैं अभी 15 लाख के लिए मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ कि आपा ने लिया, बुड्ढे ने लिया है तो मेरे को मालूम है, और ये पूरी दुनिया को सबको मालूम पड़ गया बुड्ढे ने पैसा लिया। तो बुड्ढा आके खुलासा करेगा तो ही खुलासा होएगा। तो यहाँ मैसेज लिख के मत डालो कि 15 लाख का खुलासा करो, क्योंकि पूरी पब्लिक को वीडियो से मालूम पड़ रहा अरे है। देखो हम लोग को खुलासा हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ने जिसको पूछना था हम लोग ने पूछ लिए, ठीक है? आपा जान को भी पूछे और बुड्ढे को भी पूछे, वहां पर आके आपा जान ने अपना क्लियर कर दी, ठीक है? अब वो लेकिन बुड्ढा झूठ बोला था हम लोग को बुड्ढा इतने। क्लियर कर रहा है नहीं कर रहा है वो, तुम लोग बुड्ढे को मैसेज करो कि बुड्ढे क्लियर कर, क्लियर कर। हम लोगों को क्या पता, देखो हम तो हमको तो नहीं पता है, ठीक है? तो हम जितना लोग उस पता चीज था के लिए अपनी जितना रिकॉर्डिंग में हमको बता बोला दी गया हम था, लोग ने मतलब आके। मैसेज करके आप लोग जितना पूछते थे उतनी का जवाब हम लोग ने दे दिए। बुड्ढा चालाक है, बुड्ढा बहुत चालाक है, बुड्ढा बहुत शातिर समझता अपने आप को, लेकिन वो है नहीं।
है नहीं वो कैसा चाणा का हुआ बोलते ना, क्या क्या खाता है गु? मैं ना दिन में ही लाइव आने वाली थी, फिर मैं नहीं आई क्योंकि फिर इमरान नहीं था, तो मैं तो दिन में ही आ जाती लाइव, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी, जब भी मुझे ऐसा लग रहा था लाइव चले जाओ, क्योंकि ये ना वो वीडियो का कोई मतलब नहीं है जो वीडियो ने बनाया है। करो देखो भाई, वो वीडियो में माफी मांगा है, वो वीडियो में आके बोला कि इन लोग ने सना का कुछ लेना देना नहीं, अरे लेना देना था ना, इतने दिन तेरे साथ बैठी थी ना सना, तू क्या बोल रहा है लेना देना नहीं था, हाँ तेरे से लेना देना नहीं था तो ऐसे ही बैठते थे क्या हम लोग तेरे साथ में, लेना देना नहीं था इन लोग का, कोई लेना देना नहीं है इन लोग का, मैंने जो भी किया तो तेरी गलती से क्या, एक्सेप्ट कर, बराबर आके एक्सेप्ट कर, ये पब्लिक को गुमराह मत कर, ठीक है, तू मत सोच क्या तूने वीडियो बनाया तो आपा ने तेरे को छोड़ दी तो हम लोग तेरे को छोड़ देंगे, वो वीडियो का को कोई मतलब नहीं है, वीडियो बनाना है तो तेरे दिल से बना, ये छपरी वीडियो बना के मत डाल, हाँ ना हाँ। और बुड्ढे गूगल नंबर जरा भेज मेरे को, तेरे को पैसा दी जाके जरा शेविंग विंग कर, समझ में आया बुड्ढे तेरी ऐसी हालत देख के मेरे को बहुत पाप लग रहा है, समझ में आया? अगर तूने आज अगर अच्छे से वीडियो बनाया था तो शायद हम लोग सोचते थे वो वीडियो का कोई मतलब नहीं जो नहीं, तूने बनाया तो हाँ ऐसा लग रहा था ना कि मतलब एकदम नहीं क्या, बापरे बापरे जैसा किसी ने छुरी रख दिया, बना 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 बना, देख बनाए तो भी ठीक है नहीं बनाए तो भी ठीक है। और तेरे को देख एक बात मैं बोल रहा हूँ, क्या इसको इसको अगर पैसा देना रहता था ना या दिलाना रहता था ना तो ये आ जाता था, ये बहुत एक्टिंग कर रहा है, सामने बात करता होता आ रहा बोल के और आता नहीं है, तो मेरा भी तो उनसे थोड़ा बातचीत अभी कम हो गई बुड्ढे के चक्कर में। पापा जी सबसे बड़ा पागल है, पापा जी पागल नहीं है, सबसे पागल बना रहा है, सबको पागल बना रहा है, सबसे बड़ा शाना है ये, रिकॉर्डिंग डालो ना, अरे रिकॉर्डिंग डालेंगे, सबर करो पापा जी की रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कौन सी सुनना चाहते हो आप लोग ये बताओ, रिकॉर्डिंग मैं सिर्फ पापा जी की सुनाऊंगा, लेकिन उसमें जिसमें जिसमें उसने आपा के बारे में बोला वो नहीं सुनाऊंगा, वो वहाँ पे अभी वाइंड अप हो गया, पूरा खत्म हो गया, वो लास्ट वीडियो में जो आपा ने बोले थे वहाँ खत्म हो गया, वो नहीं सुनाऊंगा, मेरे पास बुड्ढे की बहुत सारी रिकॉर्डिंग है और बहुत जन के बारे में वो सुनाऊंगा, और तेरे को बुड्ढे माफी मांग रहे हैं ना तो बराबर से वीडियो बना, सना और इमरान दो जन रहते हैं, सिर्फ सना नहीं रहती है इमरान भी साथ में रहता है, तूने पब्लिक को उल्लू बनाया क्योंकि तेरे को बाद में इमरान का टॉपिक उठा के चलाने का है, इसके लिए तूने इमरान का नाम ही नहीं लिया उसमें, सना का नाम ले लिया, पब्लिक को ऐसा बता रहा है कि मैंने सना से माफी मांग लिया, तूने उसमें माफी भी नहीं मांगा, उसने बोला सना का कुछ लेना देना नहीं है। आज मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है क्योंकि हमारे पापा जी ने हमारा नाम लिया है, हमारा दिल हमारा नाम ले लेके नाच रहा था, हाँ हमारा दिल बहुत चौड़ा हो चुका आज है। क्या नाम लिया तू ऐसा बोल रही है, इतने दिन तो तेरा नाम ले लेके ही नाच रहा था किन्नी, हाँ ये आपने एकदम सही बात बोले, वो कुलसुम आपा से भी इस तरीके से मतलब ऐसा माफी मांग रहा है कि मतलब देखने लायक ही था, वो जान मुझ के ऐसा करता है, मुझे ऐसा लगता है माफी कैसी मांगी जाती है आप लोग नहीं, अरे उसकी अकड़ अकड़ अभी भी उसकी अकड़ है, उसके वीडियो बनाने के तरीके से माफी मांगने के तरीके से देख लो वो कितना अकड़ में माफी मांग रहा है, कुछ नहीं अकड़ किधर जाएगा ना फिर मालूम पड़ेगा, अभी तेरे को अभी गया नहीं है, अभी जाएगा बेटा तेरे को अभी बता, अभी अभी गया नहीं है तू, अभी और सबर कर, तूने आज जो बनाया ना वो पब्लिक को अच्छा खासा चूतिया बनाने के लिए गुमराह करने के लिए बनाया, अभी भी सुधरा नहीं है, यूट्यूबर लोग से बातें कर रहे हैं, यूट्यूबर लोग को मेरी चुगलियां कर रहा है, मेरे को सारी बातें मालूम पड़ रही है, यूट्यूबर लोग को बोल रहा है कि सना आधी रिकॉर्डिंग डालती है, हाँ आधी रिकॉर्डिंग नहीं डालती बे, सुन मेरे में इतना दम है ना मैं रिकॉर्डिंग पूरी सुनाती हूँ, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पर है ना सबकी गालियां नहीं सुनने का, जो टाइम पे मैं गालियां सुन रही थी ना तेरी लाइव में ज्वाइंट होके, तो मेरे को ऐसा ना ये टाइम पे नहीं किसी की सुनना है, और कोई सुनाया भी ना तो अब देखना उसकी छोड़ूंगी नहीं, अच्छी खासी बैंड बजाऊंगी, समझ में आया, वो एक मेरी गलती थी जो मैं तेरे साथ में ज्वाइंट होती थी और ना सबकी बातें सुन के लेती थी, हाँ ये बात तो हकीकत है भाई, अभी तो कोई क्या बात किया, इसने अपने को उल्लू बनाया था ना टेम्बुकले बुड्ढे ने, 15 चमट के अपने अपन इसको दो टेम्बुकले क्यों नहीं निकाली, मेरे को टेम्बुकले ही देखने का इसके, दो टेम्बुकले कहाँ पे दो एक दिन सब लोग मिल के उसको का हिसाब करो, बिल्कुल करना चाहिए मैं तो वही बोल रही हूँ, देखो भाई सबका तो पता नहीं है लेकिन हम लोग जो दिन मिलेंगे तो उसका हिसाब जरूर करेंगे, हिसाब भी करेंगे, बाकी किसी की मैं गारंटी लेता नहीं हूँ, बाकी लोग के बारे में मेरे को बात नहीं करना है, सबका तो पता नहीं जो हमारे बारे में बोला, हम लोग को क्या करना है हम लोग को मालूम है, और बताऊंगा नहीं, पेपर से भी करने आता है और पेन में कितनी अच्छी चलाता हूँ वो बुड्ढे को भी मालूम है और बहुत जन को मालूम है। देखो ये तुम लोग से एक वादा मैं करती हूँ कि जिस दिन मैं बुड्ढे से मिलूंगी मैं टेम्बुकला टेम्बुकला मैं कितने दिन से बोल रही हूँ, क्योंकि शायद मेरे दिल की ख्वाहिश है, मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे दिल की ख्वाहिश है, दो टेम्बुकले उसकी जरूर निकालूंगी, हाँ इधर जो काला बोली ना इधर के जो नीचे के दो टेम्बुकले
वो नहीं निकालूंगी, लेकिन यहाँ के जरूर दो टेम्बुकले निकालूंगी, और मेरी हिल वाली चप्पल से मारूंगी तो शायद निकलेंगे टेम्बुकले, सही है ना? तो ऐसे इंसान को ना हील वाली चप्पल से मारेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। चप्पल से मारो फुल। हाँ, लेकिन पापा जी देखो मेरे पापा जी कुत्ता है, कुत्ता है वो तो हकीकत है। हम लोग पापा जी आज मेरी अपनी थोड़ी सी लव स्टोरी मुझे बताना था, लेकिन क्या है ना तुम्हारा वीडियो देखे ना हम लोग ने, हमारी लव स्टोरी लाइफ आने वाली थी, लव स्टोरी बताना था, शेयर करना था आगे का, लेकिन बुड्ढे के चक्कर में पूरा खराब हो गया। हाँ, ये बुड्ढे का जो इसने ये जो सड़ा हुआ जो बनाया ना कि सना का कुछ लेना देना नहीं है। अरे तो इसमें इमरान कहाँ चला गया? तेरे मुंह में इमरान नहीं दिखा क्या? तेरे मुंह में इमरान आने के टाइम ताला लग गया था कि तेरी जबान स्लिप हो गई, क्या हो गया? सना और इमरान आता है ना, तो सिर्फ सना कैसा रह गई? क्योंकि इमरान को देखो नहीं, सना देखो नहीं मालूम है, ये बहुत बड़ा प्लानर है। इसको मालूम है आगे आगे यूट्यूब पे नाचने का है, तो ये करने नहीं मिलेगा। तू मेरी बात समझ, इस वजह से उसने मेरा नाम नहीं लिया। कल को आके बोलेगा कि ये सब इमरान ने किया था, तू समझ रही नहीं है, तो उसको ये सब करने नहीं मिलेगा ना। मेरा नाम क्लियर, ये भी तुम लोग अभी क्लियर कर देती हूँ। बोल क्यों लिया? तुमने अभी तक बोले मैं टेबुकला निकालूंगा नहीं, मैंने बोली क्योंकि उस आदमी को मेरे पे इतना क्या बोलते हैं बेटी है, बेटी लागे से, तो बोले सना का नाम लूंगा तो मेरे दो टेम्बुकले बच जाएंगे। नहीं, तू तो बेटी लागे से ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पापा जी। देखो पापा जी, तुमको इतना फेमस कर दिया, वीडियो हम लोग को तो पसंद नहीं आया भाई जो बनाया। मैं फेमस नहीं हूँ, मैं सिर्फ सना का हूँ, लेकिन देखो मैं कितना फेमस कर दिया। पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए वीडियो बनाया पापा जी ने, वो वीडियो मेरे को पसंद नहीं आया, तो बाकी लोग को तो छोड़ दो, पसंद नहीं आया वीडियो ऐसा बनाया उसने, उसका घमंड अभी तक गया नहीं है। वो वीडियो में ऐसा सोचता है कि मेरे को नीचा, मैं नीचे गिर जाऊंगा, मेरा मैं नीचे दिखूंगा अगर वीडियो बना दूंगा। तूने हरकत ऐसी नीच वाली किया तो तू नीचे ही दिखेगा, तो नीचे दिखने वाला वीडियो बना बराबर से, ऐसा छपरी वीडियो मत बना। तो छपरी इंसान छपरी वीडियो नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा? तेरे पापा जी है भाई, फिर मैं कुछ बोलूंगा तेरे को गुस्सा आ जाएगा। बोलू ढक्कन चोर बोलू? नहीं, मैं अपना टेम्बुकला बोलू, मैं अपना दो टेम्बुकला निकालू अगर वो बुड्ढा हाथ में नहीं। फिर टेम्बुकला मेरा देखना चाहते हो आप लोग तो बोलो, मैं अब भी निकालती हूँ। इमरान अपन वाला वीडियो बनाते ना, टेम्बुकला वाला यार, रील्स बनाते ना अपन दोनों। कौन सा रील्स बना? बंगड़ी का बना दिए सब, वो टेम्बुकला वाला। टेम्बुकला वाला? अरे मतलब टेम्बुकला, तुमको झुट झुट का दो टेम्बुकला बनाती हूँ ना, मतलब इसके पुनः इसके हाल क्या करने वाले वो। और कमेंट देखिए कितनी चर्बी रहती है लोगों को, जलन बना बहुत रहता है। सैड वाला स्टेटस क्यों रख रहे हो इमरान भाई? अरे यार तुम लोग ने इसको लव स्टोरी सुनाने बोल के झगड़ा लगा दिया। देखो एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम लोग से ना बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी है, ऐसी बातें हैं कि हम लोग से बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी है, लेकिन क्या है ना हम लोग के सामने बहुत अच्छा बनते और अच्छा बन के ना हम लोग से ना अच्छी अच्छी बातें ही करते, तो हम चलेगा कोई बात नहीं। देखो अगर ऐसा कर रहे भी, अगर हमको यूज भी कर रहे तो देखने वाला अल्लाह है तुम लोग को, ठीक है? अल्लाह के भरोसे मैं सब छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, किसी को ऐसा यूज नहीं करना चाहिए जैसा बुड्ढे ने किया। देखो आज बुड्ढे की क्या हालत हो गई, झूठे बाता सब कर करके आज क्या हालत हुई है उसकी। सही बात है, तो कोई बात नहीं जाने दो, चलो अच्छी खासी लंबी लाइफ हो चुकी है मेरी। तो बुड्ढे देख वीडियो बना, अगर तू बना रहा भी है ना तो वीडियो जरिए ढंग की बना। सना इमरान, सना अकेली लाइफ तो नहीं बैठती है, सना इमरान को लेके बैठती है ना लाइफ पे अपने, तो सना और इमरान ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। समझ में आया? ऐसा तो मैं लगाया ऐसा वाला मत बना, कुछ भी नहीं समझ में आया किसी को। नहीं नहीं समझने की बात नहीं है, उसने वीडियो ही गलत बनाया था ना, पहली बात तो वीडियो को कोई मतलब नहीं है। ठीक है तो चलो फिर, अच्छी खासी हमारी लाइफ लंबी हो चुकी है तो हम लोग चलते हैं, फिर आएंगे कभी, नहीं कभी नहीं कल ही आएंगे कि कल आएंगे कल, और कल आके बाकी का आगे का बताएंगे, कल टाइम मिलेगा तो कल आएंगे, नहीं तो फिर परसों आएंगे लाइव, ठीक है? तो और हाँ, मेरी लव स्टोरी के लिए तो तुम लोग को मैंने बताई हूँ, मेरी लव स्टोरी के बाद में बताऊंगी, अभी कुछ नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है? बोली ना इमरान ना चुगली करता है मेरी अम्मी को फोन करके कल रात में ही चुगली। चलो अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे वापिस।